सिटी मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र दिया। मामला मेरा ये था सर कि मेरी मैडम दो महीने का बच्चा था, खराब हो गया था। कहाँ के रहने वाले हो आप? नौशारा का रहने वाला। थाना कौन? थाना मिर्जापुर जिला से। तो मैं प्रवाह हॉस्पिटल में जैसे हम जा रहे थे लोहिया में, तो राम रंगीले यहाँ है आशा, उन्होंने कहा चलो प्राइवेट में करवा देते हैं तुम्हारा और गारंटी सही हो जाए। कहाँ रहते हैं ये लोग? ये नौशारा ही रहते हैं हमारे गांव में। गांव में आपके? तो सर मैं ये यहाँ मुझे प्रवाह हॉस्पिटल में लेके आए। तो कहाँ पर है ये प्रवाह? ये प्रवाह हॉस्पिटल चाचू शांति नगर, चाचूपुर में। हाँ। अच्छा। सर वहाँ पे इन्होंने भर्ती करवा दिया, तो डॉक्टर ने बोला कि 3 बोतल ब्लड लगेगा। ये कब भर्ती हुए थे? सर मैं आया था 10 तारीख में। अच्छा। 11 तारीख में मतलब जब से हालत सही नहीं हुई, बिगड़ती गई। तो पहला बेड लगाया तो ठीक, थोड़ी राहत मिली। दूसरा बेड लगाया इतना बिल्कुल पतला था, तो मैं डॉक्टर साहब का, मैं डॉक्टर साहब ये ब्लड कहाँ से प्रोवाइड हुआ था? वो डॉक्टर साहब ही लाए थे, मुझसे पैसा लिया था। कितने पैसे दिए गए थे? पहले 6,000 लिए पहली बोतल, दूसरी लगवाई उसका 6,000 रुपये लिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये ब्लड मुझे बढ़िया नहीं लग रहा है, कहते पतले पतला ब्लड है। तो उन्होंने कहा ये ब्लड 2-3 तरीका का होता है, ब्लड है ही नहीं। मैंने उसका फोटो लिया, मैंने मुझे सैंपल चाहिए। तो डॉक्टर साहब मुझे ले गए ऊपर, चलो समझाते हैं तुमको। जब तक उन्होंने आए मुझे छोड़ दिया ऊपर, ब्लड निकाला उन्होंने बिग्गो थे, और सर वो ब्लड उन्होंने गायब कर दिया। मेरी मम्मी ने कहा क्या कर रहे हो, क्या उनको धक्का मार दिया। तो सर जब तक राम रंगीले मैंने फ़ोन कर दिया जो मुझे लाए थे हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ। फिर मैं 112 नंबर पर कॉल कर दिया, पुलिस भी आ गई।